कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग एकदम से स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खुश हो गए। भाई ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और तो अपना भी ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ धूप में, क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है आज, और मैंने यहाँ पे लड्डू को बैठा दिया। मैं रोज़ाना ना लड्डू को ऐसे ही बैठाती हूँ यहाँ पे, ये ग्लास है जैसे, तो यहाँ से मतलब अब उधर से हवा भी नहीं लगती है लड्डू को। और सूर्य की जो तेज किरणें हैं वो देखो, ये देखो सूर्य देवता ऊपर की तरफ मैं दिखा रही हूँ, ये देखो सूर्य देवता ये सीधे लड्डू के ऊपर यहाँ पे आते रहते हैं, तो लड्डू को खूब धूप लग जाती है। और ये रही यहाँ पे मेरी चेयर, मैं यहाँ बैठी रहती हूँ आराम से, लड्डू यहाँ, और बस फिर उसके बाद में हम लोग यहीं पे बैठे बैठे दोनों बातें करते रहते हैं। तो अब मैं लड्डू का मुंह कर देती हूँ उस तरफ, धूप की तरफ, है ना। मैंने आपको दिखा दिया लड्डू सरकार को, अब लड्डू ऐसे विंडो में से बाहर झांकते रहते हैं, बाहर का पूरा नज़ारा देखते रहते हैं, और अच्छे अच्छे से खूब धूप खाते रहते हैं। यहाँ बैठने का फायदा एक्चुअली ये है कि शीशे से अंदर मैं अपनी चेयर यहाँ पे डाल के रखती हूँ ना, तो हवा नहीं लगती है। आप देखो ना पूरा फ्लैग देखो कितनी तेज तेज उड़ रहा है, मतलब बहुत तेज हवा है बाहर और धूप भी बहुत तेज है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी धूप लगती रहती है और हवा बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी चेयर डाले यहीं पे बैठी रहती हूँ भाई धूप में, मतलब हालांकि ये देखो बालकनी में ना पूरी धूप आती है यहाँ पे खूब, लेकिन हवा की वजह से मैं बाहर नहीं बैठती हूँ, ग्लास के अंदर ही बैठी रहती हूँ यहाँ पे। तो ये इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि धूप भी मिल जाती है और जो ठंडी ठंडी हवा है वो भी सताती नहीं है, वो परेशान पिछले नहीं तीन करती दिन है। से मैंने बालों में तेल लगा रखा है, मालिश करवाई थी मैंने नारियल तेल की, और तब से मेरे बालों में तेल ऐसे ही भरा हुआ है। मैं क्या करती हूँ, पीछे इनको बांध देती हूँ और उसके बाद में फिर जूड़ा सा बना देती हूँ और कैप पहन लेती हूँ। ऊपर से तो पता ही नहीं चलता किसी को क्या हो रहा है, राज की बात है, मुझे पता है बालों में तेल लगा हुआ है। सच बताओ तो हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है कि आजकल ना बाल बिल्कुल खुलने का मन ही नहीं करता, और मन करता है कि बस बालों को बांधे रखो, चिपकाए रखो सर से अपने, कि कहीं ये भी ना निकल जाए। सारे घर में बाल ही बाल नजर आते हैं हमारे, और मैं ना घर को पूरा साफ करते करते इतनी परेशान हो जाती हूँ, हर जगह बाल ही बाल नजर आते हैं। भैया आप लोगों के सर से भी बाल गिर रहे हैं क्या, मुझे बता देना, तो तसल्ली हो जाएगी कि मेरे ही साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सबके साथ हो रही है। मतलब मैंने वैसे जितने भी लोगों से बात की ना अपने फ्रेंड सर्कल में, सब लोग यही कहते हैं यार घर में सब सब बाल ही बाल नजर आते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, गंजे ही हुए जा रहे हैं बिल्कुल। तो मैंने सोचा जितने बाल हैं उनको इकट्ठा करके उनको समेट के, और भैया कैप पहन लिया करो, सर्दी का ये फायदा है कि टोपी पहन के रखो हर समय। और जैसे शाम होती है तो मैं अपनी ये जो बड़ी मेरी जो पूरी लॉन्ग जैकेट है ना उसको और पहन लेती हूँ उसके ऊपर, कि भाई ठंड से बचा के रखो, कि धीरे धीरे देखो उम्र तो बढ़ ही रही है ना, ठंड ना लग जाए, कहीं मर ना जाए, इस बात की चिंता बहुत रहती है सच में। अब देखो आप लोगों ने ना नजर लगा दी, धूप चली गई, मैं तो खुश हो रही थी धूप में बैठी हूँ। अभी बजे हुए हैं शाम के 4 और मैं परी वरदान आ चुके हैं नीचे, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे पार्क में कुछ हो रहा है और बहुत ही क्यूट क्यूट से बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे से। हाँ सारे बच्चे ना अपने गिफ्ट्स को एक्सचेंज करने में लगे हुए हैं। चलो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अभी ना, बहुत ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे हम बर्फ़ वाली जगह पे आ गए हो। तो मैंने पूरा मफलर लगाया हुआ है, भाई अपने आप को बचा के रखना है। तो छुट्टी का दिन था तो परिवर्तन ना रात को देर तक जागते रहे थे और बस खेलते रहते, मस्ती करते रहते हैं हम सब। तो फिर उसके बाद में बच्चे देर से उठे थे, उसके बाद में परिवर्तन नहा लिए। परी ना वीक में एक ही बार हेयर वॉश करती है, क्योंकि बाल उसके बड़े हैं ना, तो फिर सूखने में भी दिक्कत होती है उसको, फिर जुकाम वुकाम भी हो जाता। वैसे सुबह फिर बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो पॉसिबल हो भी नहीं पाता है, तो या तो सैटरडे संडे को हेयर वॉश होता है या फिर कोई और छुट्टी होती है तब भी होता है, तो इसलिए उसके बाल थोड़े गीले थे। बट फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा सुखा लो, उसके बाद में फिर हम जब बाल वाल सूख गए उसके अच्छे से, शाम हो गई तब हम नीचे उतर के आए। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे मम्मा नीचे चलो, क्योंकि सारा टाइम बच्चे बच्चे जितने भी हैं वो इंजॉय करते हैं नीचे क्रिसमस पे। तो जब आके देखा तो छोटे छोटे बच्चे इतने क्यूट लग रहे थे सच में, पार्क में ना बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पे जो एक मैडम है उन्होंने क्या किया कि जो बग्गी है उसमें पूरे बच्चों के जो गिफ्ट्स हैं वो सारे कलेक्ट कर लिए, सब बच्चे यहाँ पे ना गिफ्ट्स लेके आए हैं, और मम्मी है टॉफ़ी वगैरह चॉकलेट्स लेके आई हैं बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि भाई क्रिसमस है तो
जिसपे जो भी होता है वो सब बच्चों के लिए करते रहते हैं, उनकी हैप्पीनेस के लिए। तो बच्चों ने क्या किया कि अपने जो गिफ्ट्स हैं वो यहाँ पे रख दिए। परिवर्धन भी अपने गिफ्ट्स लेके आए थे, तो परी तो अपनी पॉकेट में ही वो गिफ्ट को रखे घूमती रही, क्योंकि मामा मैं थोड़ी बड़ी हूँ अभी, ये सारे बहुत छोटे बच्चे, मैं यहाँ पे नहीं रखूँगी। मैंने इसे बोला भी, आप अपना गिफ्ट तो रख दो, कुछ मत लेना यहाँ से, बिल्कुल मत खेलना बच्चों के साथ में, लेकिन रख दो, अभी आप भी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हो, छोटी ही हो, बच्ची हो अभी, क्योंकि वो उसकी हाइट वाइट इतनी ज़्यादा है ना, तो वो बहुत बड़ी बड़ी लगने लगी है, सच बता रही हूँ मैं देखने में। और बाकी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ही बच्चे हैं उसमें, तो मैंने भी उसे जिद नहीं की, इनका कोई बात नहीं, आप देख लो, देख के एंजॉय कर लो। और अभी अपन बना लेते हैं यहाँ पे रील्स वगैरह, तो हम बनाने लगे वहाँ पे रील्स। पर उससे पहले मैं बहुत मज़ा कर रही थी यहाँ पे बच्चों को देख देख के, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। परिवर्धन भी जब बहुत ज़्यादा छोटे थे ना, तो जब मैं इन्हें स्कूल भेज दी थी क्रिसमस पे, तो ऐसे ही ड्रेसअप करके भेज दी थी, बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता था, ऐसे लगते हैं सारे बच्चे ना रेड रेड एकदम से ना, टमाटर जैसे बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों को खेलते हुए देख के, देखो आप लोग भी ना। देखो भाई, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारे यहाँ पे क्रिसमस नहीं मनाया जाता, बट फिर भी होता यही है, क्योंकि हम इंडियन हैं, हिंदू से होने से पहले हम लोग भारतीय हैं, तो भारत में हर मजहब की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू समझी जाती है, सबको बहुत सम्मान दिया जाता है, तो फिर इसी वजह से यहाँ पे जो सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम पूर्वक सेलिब्रेट किए जाते हैं। देखो भाई, जब बात आती है त्यौहारों की, तो अपने भारतवर्ष में हर त्यौहार को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, तो हम भी उसी तरीके से उस चीज़ को फॉलो करते हुए सारे त्यौहारों को अच्छे से मनाते हैं। तो भाई यहाँ पे ये देखो, परी की स्कूल की एक टीचर है, जिनकी एक बहुत क्यूट सी, बहुत ही प्यारी सी गोलू मोलू सी बिटिया है, ये मुझे इतनी प्यारी लग रही थी बहुत, और इसको देख के ना मुझे परी का बचपन याद आ गया एकदम से। जब परी छोटी सी थी ना, बिल्कुल वो ऐसी गोल मोल लगती थी, तो मैं परी की जो ये टीचर है उनको भी बोल रही थी कि एकदम परी की जैसी लग रही है वो देखने में, और वो भी यही बोल रही थी इसका फेस परी से बहुत मिलता जुलता, वो सच में बहुत क्यूट सी बेबी थी। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो विनोद ने तो भैया बेड पकड़ लिया है और एकदम से घुस गए हैं कंबल के अंदर, और ऐसे ही मुझे लग रहा है इनको झपकी सी लग गई है, चश्मा भी लगा हुआ है, और ये पूरी रात भी सो जाते हैं ऐसे ही चश्मा लगाए हुए, पता नहीं इनको कैसे आदत। वैसे चश्मा लगाने वाले आदमियों को होती है आदत, मतलब किसी को भी, जो भी पर्सन चश्मा लगाता है वो सो जाता है रात को ऐसे ही लगा के ना, या हाथ में लेके भी सो जाते हैं। तो भाई, हम लोगों का डिनर वगैरह सब हो चुका है, और आज मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो व्लॉग है हमारा, ये 2022 का लास्ट व्लॉग रहेगा, और अब हम मिलेंगे अगले साल 2023 में एक मस्त और बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तो तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट, श्री हरिदास, अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बरसाए रखना, ऐसे ही हम लोगों के व्लॉग्स वॉच करते रहना, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में इस ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में 2023 में, न्यू ईयर में, नए तरीके के साथ और नई हरकतों के साथ, और जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड बाय बाय। छोटे बच्चों के लिए सब्सक्राइब तो बनता है।